मेरे को डर लग रहा है यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है। 6 7 की नहीं है इसमें, कैमरा लगा हुआ है। रूम किधर है? बहुत गंदा वाला कटा है हमारा। 8th फ्लोर पे है हमारा एयरबीएनबी और 59 लिफ्ट नहीं चल रही है। मेरी बीवी ना, उसको लगता है कि सबसे घटिया फोटोग्राफर हूँ मैं। मैं चिकन खाऊंगा। वेलकम टू ताशकंद। वेलकम टू ताशकंद उज़्बेकिस्तान। भाई भीड़ ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा जल्दी। यार ये तो सीन हो गया, एप्पल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कैश है नहीं मेरे पास, अभी क्या करें, अभी समझ नहीं आ रहा है। सो ये एटीएम है जहाँ से मैं कैश निकाल सकता हूँ, देखते हैं कैसे होता है। अरे कैश तो निकल गया बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। आई डोंट नो कि कितना है ये, 1 10 इकाई है, सैकड़ा, 1000 10000 लाख, तो 1 लाख करके मैंने 5 लाख निकाला है इसमें। मेरे को बस चाहिए था क्योंकि सुष्मिता उधर बहुत देर से वेट कर रही है, तो आगे पता नहीं कैसे होगा, तो मैंने एक्स्ट्रा कैश निकाल लिया है। सुबह के बज रहे हैं 5। हमने एयरबीएनबी किया था और एयरबीएनबी हम दिखाते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम आप लोगों को करवा रहे हैं ताशकंद में हमारे एयरबीएनबी का हाउस टूर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषि का वर्क डेस्क, ब्यूटीफुल स्पेस। वर्क डेस्क करने के बाद मेरे को आयरन भी करने हैं, कपड़े धोके यहाँ पे डालने। सो यहाँ का मौसम एक्चुअली अभी है 16-17 डिग्रीज, बट धूप भी निकली हुई है जिसकी वजह से ना ठंड उतनी नहीं लग रही है। हवा में ठंडक है लेकिन ठंड वैसे भी ठंड है, ठंड लग रही है एंड थोड़ी तो लग रही है। नहीं, इट्स फाइन, थोड़ा स्टाइल भी तो मारेंगे ना। कुछ प्लान नहीं किया है कि कहाँ जाना है हम लोगों को, क्या करना है, लेकिन नई जगह है तो थोड़ा सा आप लोगों को इस जगह से वाकिफ कराते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने घर लिया है एकदम बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन है और साथ में एटीएम भी है। आई मीन ज़्यादा लोग नहीं है, अभी तो पहला ही दिन है। मेट्रो कार्ड कौन सा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू बाई मेट्रो कार्ड नॉट नो मैडम, आई हैव दिस ऑलरेडी। ये कार्ड लेने के लिए ना आधा घंटा लग गया मुझे, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होएगा। सो दिस इज द कार्ड, दिस टैप। दूसरे में ट्राई करो, और दूसरे में ट्राई करो। हाँ वाह यार, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे जिसकी वजह से ट्रैवल करना, देखते हैं कैसा होता है। मेट्रो ट्रेन सो गई थी उन्हीं के टाइम से, ट्रैवल करते हैं देखते हैं कैसा जगह है, और हमें तो पता भी नहीं है कि ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है। तुम उधर से जाओ, इस मेट्रो स्टेशन का नाम है बोयोक इपाकियोली। बैठते ना इधर, दिखने में जो है दिल्ली मेट्रो की तरह, वाइब तो वही है। सो हमें इस जगह पर जाना है लेकिन इस जगह का नाम ही नहीं पता हमें कि क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? बड़ा ही अजीब लग रहा है यहाँ पे ट्रैवल करना यार, क्योंकि लोग भी काफ़ी घूर घूर के देख रहे हैं हमें, पता नहीं क्या मतरंगी से लग रहे हैं क्या। कल से बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन के आने पड़ेंगे हमें, बैठ जाता हूँ नहीं तो फिर सीट चली जाएगी। जैसा हमने कजाकिस्तान में देखा था ऑलमोस्ट उसी टाइप का है मेट्रो ये, लेकिन थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड ऑल।
बाकी एसी एंड ऑल बोला जाए तो एसी तो है, लेकिन ये विंडो ओपन विंडो टाइप से है, मतलब कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना ये भी खुला हुआ है और हवा बिल्कुल पास हो रही है एकदम मस्त। सो उस जगह का नाम बोडम जोर है, मैं आपको दिखाता हूँ बोडम जोर। तो यहाँ पे जाना है उस टावर को देखने के लिए। गलती से दूसरे मेट्रो में चढ़ गए थे हम लोग, तो हम लोग उधर वापस जा रहे हैं। कंप्लीट हो गया, अच्छा लगा, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे और प्लेजेंट वेदर है। वापस से भूख लग गई है और भाई देसी खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे एक द करी हाउस करके रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से 17 मिनट्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 16,000 उज़्बेकी टेंगे दिखा रहा है इंडेक्स गोस्ट। बड़ी दुविधा है भैया, किसी को इंग्लिश नहीं आती यार। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर जा कर के बात करते हैं, पूछते हैं कैसे है क्या है, कोई तो इंडियन मिलेगा वहाँ पे। गूगल पे ये दिखा रहा था कि ये ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट जो है करी हाउस के नाम, करी हाउस था ना, करी हाउस के नाम पे था। तो ये दिखा रहा था कि यार खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आया तो भैया देखिए तो पूरा बंद है। अब भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, कहाँ है तो कहाँ खाएं आप। ये जगह भी बड़ी नॉर्मल सी है, गूगल पे चेक करते हैं। 6 मिनट की डिस्टेंस पे एक दिखा तो रहा है, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उसी को ट्राई करेंगे, अपना पाकिस्तानी बेस्ट। लेनी थी हाँ, यहाँ से लेनी है, यहाँ लो मेरी फोटो। वहाँ से आने के बाद हम आ गए इंडियन फूड महाराजा, जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन है। ओह नीचे जा कर के शिट। रमज़ान की वजह से यहाँ पे मार्केट बहुत ठंडा है, सिर्फ और सिर्फ थाली अवेलेबल है, तो वही हमने ऑर्डर किया है। तो यहाँ के करेंसी को सोम बोलते हैं, तो वो थाली जो है 60,000 सोम का है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 300 to 400 रुपीज़। खाने की क्वान्टिटी तो अच्छी खासी है। नींद आ रही है बहुत ज्यादा, सही में बहुत ज्यादा नींद आ रही है। I love this life. यहाँ पे भी ट्रैवल करने के लिए हम लोग यांडेक्स गो कर रहे हैं, बिकॉज कजाकिस्तान में और यहाँ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। आई मीन ये जगह और सस्ती है। ये जगह बहुत सिमिलर लग रही होगी आप लोगों को, बिकॉज ग्लोबल विलेज जैसा ही है ये, बाहर से तो वैसे ही लग रहा है, अंदर चल के देखते अंदर से भी वैसा ही कुछ है। तुमको यहाँ पे रुकना है थोड़ी देर और शाम तक, पानी की साइड देखते हैं ना जाके। चलो आ जाओ। भाई मेरी नज़र इस पे गई है, शाहरुख भाई क्या हो गया। एक चीज़ जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस है वो ये है, पेट्रोल की बदबू है या फिर केरोसिन की बदबू है, कोई तो एक बदबू है, काफ़ी गाड़ियों में से आ रही है वो और काफ़ी ज़्यादा है। फ्लाइट में जो बंदा था ना, वो बंदे दोनों जो थे ना, उन्होंने बोला था कि अगर बुक करना तो अच्छा वाला बुक करना, नहीं तो नॉर्मल वालों में से आती है बदबू। तो अभी समझ में आ गया,
बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बदबू है।